हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में जो पोलर फॉर्म के कॉन्सेप्ट हमने इसके पहले के वीडियोस में कवर किए थे उस पर आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और इसके कॉन्सेप्ट की अगर बात करोगे तो कॉन्सेप्ट हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आइए सीधे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन अबाउट द इनिशियल लाइन ऑफ द कार्डियोइड एक्स इक्वल्स टू वन टाइम्स वन प्लस कोसाइन थीटा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो उसको मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। इनिशियल लाइन जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनिशियल लाइन का जो एक केस मैंने आपको बताया था उस केस के फॉर्मूले में डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करूँगा, क्योंकि हमें पता है कि जो रिवॉल्यूशन किया गया है रिवॉल्व किया गया है जिससे हमारा जो जनरेट होगा वो इनिशियल लाइन के अलॉन्ग है। तो इसमें कार्डियोइड जो कर्व है कार्डियोइड है जिसका इक्वेशन आर इक्वल टू ए वन प्लस कोसाइन थीटा है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको हम थोड़ा सा अगर हम एक्स और वाई एक्सिस पर रखें, है ना, कि एक्स और वाई एक्सिस के अलावा हमें मालूम है कार्डियोइड का जो इक्वेशन बनता है कुछ ऐसा बनता है, कुछ सिमेट्रिकल बिल्कुल रहना चाहिए। बिल्कुल हाँ, ये सिमेट्रिकल लग रहा है। ये बिल्कुल जितना एरिया ऊपर वाले का उतना एरिया नीचे वाले का, जो आपको इस कर्व दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, टू एम ने जूम किया, ठीक है। और ये आपका इनिशियल लाइन है, आपको पता है ये आई एल है इनिशियल लाइन। यहाँ पे थीटा इक्वल टू ऑलवेज जीरो रहता है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि ये जो कर्व दिख रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, ये अपर वाला पार्ट और लोअर वाला पार्ट क्या सिमेट्रिकल है। तो मतलब इसका जब रोटेशन कराया जाएगा तो एक्चुअल में जो रोटेशन का मतलब क्या होता है, जब इसको रोटेट कराओगे आप पूरे पार्ट को कवर नहीं करोगे, है ना। आपने कुछ ऐसा से बनाया है तो आपको पूरे पार्ट इस वाले हिस्से को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इतने वाले हिस्से को अगर आप रोटेट कराओगे तो नीचे वाला हिस्सा जब इसको जब रोटेट कराओगे कुछ ऐसा करके रोटेट कराओगे चारों एक्सिस पे तो कुछ ऐसा आपको ये सॉलिड शेप दिखेगा, है ना, है ना। ये आप इसको फील कर सकते हैं। जब रोटेशन में करा रहा था तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझाया भी था मैंने। जब रोटेशन कराया जाएगा तो हमने ऐसे सिमेट्रिसिटी देखी देखनी होती है कि जिसके रोटेशन से वो पूरा का पूरा शेप डेवलप हो जाना चाहिए जिसके अलॉन्ग आप करा रहे हो रोटेशन, ठीक है। तो आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर यहाँ पे रोटेशन कराया जाएगा, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन कराया जाए चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड कराओ रोटेशन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें पता है एक चीज़ को, क्योंकि जो रोटेशन होगा तो ये आप इसमें लिमिट की अगर बात करोगे तो हमें मालूम है एक्स एक्सिस के एबव वाला पोर्शन जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, हमें इस वाले पॉइंट को ही सिमेट्रिसिटी, देखो ये इसकी इसकी सिमेट्रिसिटी है, तो आप इसका हाफ पोर्शन यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक बताइए जीरो डिग्री से घूम के कहाँ तक आ रहा है, पाई तक, थीटा इक्वल टू पाई तक, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट पाई। इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन। आप सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, हमें फार्मूला पता है जो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है इनिशियल लाइन के अलॉन्ग 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा और ये जो 0 to π। इसको आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 2/3 π और ये फ्रॉम 0 to π, अगर इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिखा जाए, मैं अगर इसको सॉल्व करके लिखूं थोड़ा सा, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे रेडियस जो है ए के फॉर्म में है तो उसको आप ए क्यूब लिख सकते हैं, है ना। और साइन थीटा के जगह पे अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो ये 1 + cosθ होल क्यूब आर इक्व टू ए कॉस थीटा और साइन थीटा और ए डी थीटा, ठीक है। आर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा वाला हमने आर की जगह पे ए कॉस थीटा पुट किया है ना,
ये गिवन है बट ठीक है, इसको जब आप पुट करके जब सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या एक्चुअल में मिलेगा, देख लीजिए। ये मिल जाएगा कि कोशाइन है और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन का, तो ये कुछ नेगेटिव में आएगा, इसका नेगेटिव में कुछ वैल्यूज आएंगी, तो इसको मैं नेगेटिव पहले ले ले रहा हूँ, 2/3 पाई फ्रॉम 0 to π, है ना। इसको आप इंटीग्रेट के ही फॉर्म में लिखिए, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो जा रहा है इसे। इंटीग्रेट करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 cos θ/4θ ओवर / 4 और फ्रॉम 0 to π। और इसको जो सॉल्व किया जाएगा, 4 अगर आप बाहर लोगे तो कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, नीचे 3 × 2 करोगे 6 आ जाएगा, ठीक। और ये पाई a क्यूब कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल लीजिए। और अगर वैल्यूज रख के सॉल्व किया जाएगा ना, तो 1/cosθ की वैल्यू अगर पाई रखोगे तो क्या हो जाएगा, पाई रखने पे तो क्या हो जाएगा, -1 होता है, -1 + 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे पे क्या आ जाएगी, और दूसरे पे आ जाएगा आपका 2, तो 2 का 4 टाइम्स करोगे क्या हो जाएगा, 16, ठीक। और 16 का मतलब हो गया, इसको जो सॉल्व किया जाएगा तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो 1/6, 16 ऊपर कर लो, पाई ए क्यूब कर लो, 2 3 6, 2 8 16, तो ये क्या हो जाएगा, 8/3 πa³। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन तो नहीं कर सकते हम इसमें, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है, क्वेश्चन को जस्ट केवल फॉर्मूले में फीडिंग करनी होती है, और जो इक्वेशन गिवन रहता है, अगर आर के फॉर्म में मैं कह रहा हूँ तो आर के फॉर्म में आपको एक कर्व का एक क्वेश्चन गिवन रहेगा, जिसको आपको डायरेक्टली पुट करना है और उसको आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन का पार्ट मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिफिनेट इंटीग्रल, इनडिफिनेट इंटीग्रल के जब पार्ट करा रहा था तो वहाँ पर मैंने इसको कवर किया है। तो आपको इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन में बिल्कुल मास्टर होना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर पार्ट में ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। And I think these questions are very, very easy. And thank you so much for watching this. And best of luck for exam.